नमस्कार केटीवी न्यूज साथे हूं छु किरण। नजर करे महत्वना समाचार पर। तो अमदावाद ना चांगोदर गोडाउन माथी दवानो जत्थो बढ़ी आव्यो छे। पेन अने उंकरी दवानो नशा माटे उपयोग करातो होय त्यारे केंद्रीय नार्कोटिक्स विभागे गोडाउन मां दरोडा पाड्या हता। मोटी संख्यामां दवानो जत्थो पकड़ी पाड्यो छे। दवा मंगावनार व्यक्ति फरार थई चुक्यो छे। हाल महत्वना समाचार सामे आवी रह्या छे। मोटी संख्यामां दवानो जत्थो पकड़ी पाड्यो छे। दवा मंगावनार व्यक्ति हाल फरार छे, तेनी तपास शुरू छे। त्यारे हाल महत्वना समाचार। अमदावादना चांगोदरथी गोडाउनमांथी दवानो जत्थो मळी आव्यो छे। पेन अने ઊંઘની દવાના નશા માટે ઉપયોગ કરાતો દવાનો જથ્થો મળી આવ્યો છે। અમદાવાદ ચાંગોદર ગોડાઉનમાંથી મોટા પ્રમાણમાં દવાનો જથ્થો મળી આવ્યો છે, પરંતુ હાલ જે વ્યક્તિ છે દવા મંગાવનાર છે તે ફરાર થઈ ચૂક્યો છે। और हम लोगों ने जो हमारे दो केस हुए हैं, एक नवंबर 2022 में केस हुआ है और एक मार्च 2023 में हमने दो केस किए हैं। ये दोनों केस हम लोगों ने नशीली दवाइयों को अवैध बाज़ार में जाने से रोकने के लिए ही किए गए थे। और उस समय में हमने जो कार्रवाई की उसमें लगभग 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया था। टोटल अभी तक दिल्ली और बाड़मेर सांचौर में जो हमने कार्रवाई की उसमें 8 आदमी हम लोग ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुके हैं। और उसी दोनों केसेस के इन्वेस्टिगेशन को करते हुए हम लोगों को ये मालूम चला कि इस तरीके से बड़ी भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाइयाँ जो हैं यहाँ चांगोदर में आ रही हैं। तो उसको ट्रैक करते करते हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें ये मालूम चला कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की दवाइयाँ यहाँ पे आ गई हैं। और उनको लेने वाले जो हैं, जो इस कंपनी, जो इस दवाई को बनवाने वाले वी केयर हेल्थ केयर का जो मालिक है, वो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। वो अलग मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, रायपुर जेल में है। और उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी महसाना का है, और वो भी लगातार फरार चल रहा है। पिछले नवंबर से जब से हम उसको तलाश कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये 1 करोड़ दवाइयाँ जो है नशीले टीम